हेलो स्टूडेंट, इट्स मी रितिका गौतम फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज दुर्ग। टुडे माय टॉपिक इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पार्ट फोर ऑफ टेंस। लेट्स सी, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू दैट प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस ऑल हैव देयर फोर एस्पेक्ट्स: इनडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। In last three lecture, I have already explained about indefinite tense, continuous tense. Now I am going to introduce you from present perfect tense. What is perfect tense? Already I told, perfect मतलब होता है जिसमें कोई कमी ना हो, जो complete हो, जैसे काम चालू हुआ और perfectly खत्म हो गया, तो वो कहलाता है perfect tense. अभी देखिए present perfect tense, हमने already three sentence पे काम किया है। एक है अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हम ये तीनों सेंटेंस में काम करेंगे। इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज और हैव। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। जब अपन प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस बनाते हैं, उसका हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डस। फिर अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है अपना इज, एम, आर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज और हैव। देखिए अफर्मेटिव का ये जो है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस, यहाँ पे सिर्फ एक चेंज हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया है। अभी तक हमने जो किया इनडेफिनेट टेंस और कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म इसलिए होता है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट मतलब होता है जो कार्य हो चुका है परफेक्टली, तो वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है उसके बाद कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होता, कोई चेंजेस नहीं होता। इसलिए यहाँ पे अपन ये ऐसा इजीली याद कर सकते हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बोला हैज और हैव आपका यहाँ पे रहेगा, हेल्पिंग वर्ब्स रहेंगे। लेकिन सबसे पहले डाउट आता है कि हैव कब यूज करते हैं और हैज कब यूज करते हैं। तो स्टूडेंट आप देखिए, हैज यूज करते हैं हम सिंगुलर के साथ, हैव यूज करते हैं प्लूरल के साथ, और एक एक्सेप्शनल केस होता है जैसे आई, आई के साथ हम हमेशा हैव लगाते हैं। अभी देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मैं खाना खा चुका हूं, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, यहाँ पे था, थी ये वाला वर्ड नहीं होगा, हूं, हाँ इस तरीके से होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं खाना खा चुका हूं, तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, आई हैव, आई के साथ हैव लगता है, तो आई हैव ईट का पास्ट टेंस, थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईटन, आई हैव ईटन द फूड। फिर देखिए सेकेंड, हम उससे मिल चुके हैं, वी हैव मेट हिम या फिर हर बोल सकते हैं हम, क्योंकि यहां पे कोई भी जस्टिफाई नहीं है जेंडर, वह तुमसे मिल चुका है, He has met you. तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी देखिए इसका नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस जैसे मैंने बताया नेगेटिव सेंटेंस के लिए नो, नॉट यूज होता है, तो सेम चीज है स्टूडेंट यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, कोई भी चेंजेस नहीं है, केवल हमने यहाँ पे नेट नॉट लगाया है। तो ये बहुत ईजी है, ये आप एक बार खुद कोशिश करिए, ट्राई करिए। मैं ये बता देती हूँ आपको कि इसका जो वर्ब है देखा, देखा इसका वर्ब है, तो इसका पास्ट टेंस हो जाएगा सीन, थर्ड जो वर्ब होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा वो हो जाएगा सीन। और सेकंड वाला है वह घर नहीं पहुंचा है, पहुंचा, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म पहुंचा का ही हो जाएगा रीज्ड, ईडी लगेगा, तो ये खुद सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्मूला रहेगा आपका हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे हमने ऑलरेडी किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सेम वैसे ही है। फॉर एग्जांपल क्या तुम मैच जीत चुके हो, हैव यू वॉन द मैच, क्योंकि विन का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वॉन, डब्ल्यू ओ एन। क्या तुमने काम कर लिया है, हैव यू, डू का पास्ट मतलब थर्ड फॉर्म क्या होगा, डन, Have you done the homework? ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी देखिए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसके होते हैं, जैसे मैंने बताया डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा पहले WH फैमिली होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस
वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्या तुम मैच जीत चुके हो, इसी को थोड़ा चेंज कर देते हैं, तुम कब मैच जीत चुके हो। तो इसका यह डबल इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, ये वेन हैव यू वॉन द मैच। तो स्टूडेंट से बहुत इजी है यूज करना, क्योंकि इसमें जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है सिर्फ हैव और हैज। हैव हैज का यूज बहुत इजी है, हैज अपन यूज करते हैं हमेशा सिंगुलर के साथ और हैव यूज करते हैं प्लूरल के साथ। जिनको याद करने में डिफिकल्ट होता है तो हम बहुत इजी तरीके से याद कर सकते हैं कि हैज, हैज में क्या होता है तीन ही वर्ड है तो ये कम है हैव से, तो सिंगुलर के लिए, हैव में ज्यादा शब्द है इसलिए वो प्लूरल के, हम ऐसा याद करने के लिए याद कर सकते हैं। तो बहुत इजी है। सो हैव अ गुड डे, थैंक यू।